हाय दोस्तों, जैन मेरे चैनल मल्टी एनिमल्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा, सभी लोग को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियो को लाइक किया, मेरे वीडियो को देखा। आप लोग के आशीर्वाद से और प्यार से मेरा चैनल जो है यूट्यूब ने अप्रूव कर दिया, मतलब मोनेटाइज कर दिया है। आप लोग के आशीर्वाद से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। 20 दिन पहले मेरा चैनल रिव्यू में गया था और 20 दिन के बाद मोनेटाइज हो गया। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने प्यार बनाया। 2 महीने पहले मैंने पहला वीडियो डाला हुआ था और आज 2 महीना 2.5 महीना हो गया और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। तो उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों देखिए, मेरी बाइक है अपाची RTR 164 BS6 मॉडल, ये ड्यूल डिस्क बाइक है, डबल डिस्क है इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो BS4 है और ये बाइक BS6 है, तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस दिया हुआ है, क्या क्या इसमें BS4 में क्या था और BS6 में क्या नहीं है, और BS6 में क्या चीज़ है जो BS4 में था। तो चलिए मैं एक एक चीज़ बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडलाइट से। ये देखिए जो BS4 बाइक थी, जो उसमें आप देख रहे ये पूरा हेलोजन लाइट था, उसमें हेलोजन बल्ब दिए हुए थे आगे ऊपर भी नीचे भी, हाई बीम लो बीम दोनों हेलोजन था। और ये जो DRL देख रहे हैं उसका भी डिज़ाइन थोड़ा अलग था। और इसमें क्या हुआ कि LED कर दिया गया, ऊपर भी LED है नीचे भी LED है। अब मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऐसे हमेशा ये DRL हमेशा ऐसा जलता रहता है और ये लाइट जो नीचे वाली लो बीम है ये हमेशा जलती रहती है। बाइक जब भी आप चाबी ऑन करेंगे हमेशा मतलब कंटिन्यू ये लाइट जलती रहती है। तो सबसे बड़ा चेंज इन्होंने हेडलाइट में किया हुआ है। हेडलाइट मतलब इन द सेंस पूरा जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये पूरा मतलब ब्रैकेट वगैरह सब कुछ चेंज हुआ है। ऐसा नहीं कि बस बल्ब चेंज हुआ और ये आगे का शीशा चेंज हुआ है, पूरा चेंज हो गया, पूरा फुल सेटअप ही चेंज कर दिया गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्क्रू है यहाँ पे BS4 में भी लगे रहते हैं, मतलब इसके इधर से पूरा जो सेटअप है पूरा ही चेंज कर दिया गया इस बाइक में। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई ये बताइए जो BS4 बाइक है उसकी हेडलाइट में अगर BS6 वाली जो इस बाइक की जो हेडलाइट सेट है पूरा उसको हम चेंज करना चाहें तो हो जाएगा कि नहीं। दोस्तों पहला तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इतनी महंगा आएगा ये बाइक, मतलब ये जो हेडलाइट का पूरा सेट है पूरा देख, पूरा कंपोनेंट जो ये है पूरा ब्रैकेट से लेकर सब साथ में है, तो ये आप चेंज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये 10,000 रुपये के नीचे आने वाला है। और प्लस सबसे मेन चीज़ और बात दूसरी चीज़ क्या है कि दोस्तों इस जो अगर आप ये ले भी लेते हैं, मान लीजिए इतना पैसा है कि आपको अगर चेंज करना भी चाहते हैं, तो जो अंदर का आपका जो कनेक्शंस हैं जो मेल फीमेल जो होता है प्लग होते हैं जिसके सॉकेट होते हैं जो अंदर लगे रहते हैं इस बाइक के अंदर, जो अंदर लगे रहते जो कनेक्शंस होते हैं वायरिंग कनेक्शंस होते हैं वो सब डिफरेंस दिया हुआ है। क्योंकि मेरी बाइक में कुछ काम था थोड़ा अंदर में, तो जो क्या बोलते हैं टेक्नीशियन इस बाइक का जो देख रहे होंगे यहाँ से ये ब्रैकेट यहाँ से खोला हुआ था, इसको हटाया था तो देखा था पूरा कनेक्शन ही अलग है। BS4 में का कनेक्शन अलग है, इसका कनेक्शन अलग है। एक कंपनी जानबूझ के करती है क्योंकि पब्लिक अगर ऐसा करेगा तो फिर BS4 और BS6 में कुछ अंतर ही नहीं रह जाएगा। वो पब्लिक क्या करेगी, अपना BS6 वाला लगा के BS6 का जो सब हेडलाइट वगैरह लेके BS4 में लगा लेगी, तो इससे कंपनी का थोड़ा रिपोटेशन भी डाउन होता है, मतलब इस बाइक का थोड़ा वो रिपोटेशन डाउन होगा। लेकिन लगाने वाला तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों लगा के कुछ फायदा नहीं है, पैसा भी अननेसेसरी वेस्ट होगा और सक्सेस नहीं रहता है। कनेक्शन इधर से उधर करना पड़ेगा, सब कटिंग पिटिंग करना पड़ेगा, तो कुछ मतलब नहीं लगा के। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर वो लगाना चाहें तो दोस्तों मैं आप लोग को ये बोलूँगा आप लोग मत लगाइएगा उसको, कोई फ़ायदा नहीं लगा के। चलिए अब दूसरे चेंजेस के ऊपर बात करते हैं। दूसरा चेंज जो हुआ दोस्तों देखिए, ये जो साइड मिरर है इसका, ये देख रहे होंगे आप, आपको दिखाई दे रहा होगा BS4 में सादा सिंपल एकदम। इसमें क्या हुआ थोड़ा टेक्चर टाइप का है, देखिए ये टेक्चर टाइप का थोड़ा, ये देखिए ये टेक्चर टाइप का थोड़ा कर मतलब एकदम स्लिम दिया हुआ है ग्लास जो है। BS6 में इन्होंने ग्लास भी चेंज कर दिया है, क्योंकि अब मैं बताता हूँ आपको, मैं BS4 का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि जब एक्चुअली साइड मिरर मेरा टूट गया था, ये देखिए ये जो साइड मिरर है ये BS4 का है, एकदम मोटा सा है, थोड़ा फूला हुआ है, ये BS4 का है। ऐसा इसलिए आप सोच रहे होंगे मेरे बाइक में एक BS6 का एक BS4 का है, क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये जो मेरा साइड मिरर था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो साइड मिरर टूट गया था, तो एजेंसी पे जो है अपना BS6 का जो अपना साइड मिरर ये था ही नहीं, तो इसलिए मैं सेम पैसा दे के ये ले लिया। थोड़ा देखने में वो लगता है लेकिन उतना कोई दिक्कत नहीं, आप साइड आगे से देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, देख सकते हैं। ये देखिए इधर से सेम दिखता है, इधर से भी सेम दिखता है, बस पीछे से थोड़ा वो अलग लगता है, क्योंकि ये ज़रूरी है साइड में रखना चाहिए, किसी को साइड में पसंद है किसी को नहीं पसंद है, लेकिन दोस्तों ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। और ऊपर से क्या बोलते हैं राइट साइड का था तो राइट साइड वाला बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने लगा दिया, बाद में जब एजेंसी पे आएगा तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। फिर तीसरा चेंज दोस्तों आप देख सकते होंगे, ये जो लेग गार्ड है ये अभी ये लोगों ने स्प्लिट दे दिया, मतलब एक
आधी एक साइड में इधर लगी हुई है और दूसरा उधर लगा हुआ है, ये एक साइड अटैच नहीं है। BS4 जिनके पास बाइक होगी उनको पता रहेगा, वो लोग अपने बाइक में देख सकते हैं। ये जो पाइप ऐसा जाता था ये पूरा इधर से जाके पूरा उधर जाके अटैच होता था। स्क्रू तो मतलब जो बोल्ट लगे हुए ऐसे दोनों लगे रहते थे, लेकिन वो एक सिंगल पीस में था, अब ये डबल पीस में कर दिया, मतलब एक अलग हो गया एक अलग हो गया। अगर एक साइड का डैमेज होगा एक साइड चेंज कर सकते हैं, दूसरे साइड का डैमेज होगा दूसरे साइड चेंज कर सकते हैं। पहले वाले में क्या था, BS4 में अगर थोड़ा भी डैमेज वैमेज होता था तो पूरा आपको पूरा सेट ही चेंज करना, क्योंकि वो सिंगल थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया लेग गार्ड को भी। अभी देखिए ये चेंज है, यहाँ पे जो देख रहे होंगे टैंक है, जिनके पास BS4 बाइक है उनका टैंक जो वाइट कलर का था, जो भी बीच में वाइट है जो, ये पूरा उनका ये जो स्टिकर देख रहे होंगे ये स्टिकर नहीं थे उसमें, ये पूरा स्टिकर अलग से लगाया गया, रेसिंग एडिशन जैसा स्टिकर लगाया हुआ है आप देख सकते हैं, ये स्टिकर अलग से लगा दिया गया। आप चाहें तो अगर BS4 बाइक है तो सेम ऐसा कंप्यूटराइज बना कर लगवा सकते हैं, लेकिन इन्होंने वैसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है तो नॉर्मल है। उसके बाद अब देखिए दोस्तों इधर का भी, पहले जो BS4 बाइक है उसमें जो स्टिकर थी यहाँ पे लगी हुई थी, अभी इन्होंने क्या कर दिया, ये स्टिकर यहाँ की वजह हटा के आगे वाले पोर्शन पे लगा दिया और एक ऐसा लाइन जैसा वाइट कलर का मार दिया है। देखेंगे पूरा स्टिकर है जो थोड़ा रेसिंग एडिशन से इंस्पायर होकर इन्होंने लगाया हुआ है, रेसिंग एडिशन जैसा है जो रेसिंग बाइक में रहता है, इधर पहले था इसको हटा के यहाँ पे लगा दिया गया। उसके बाद दोस्तों अभी आपको इधर भी देखिए, BS4 जो बाइक है उसका ये जो पैनल है इसी साइड पैनल के साथ ही अटैच है, लेकिन उसमें थोड़ा छोटा था क्योंकि यहाँ कार्बोरेटर यहाँ पर लगा रहता था, यहाँ पे देख सकते हैं आप कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर थोड़ा सा दिखता था। अभी क्या किया इन्होंने, ये 5 बाइक हो गई है, फ्यूल इंजेक्शन बाइक है, तो इसमें क्या किया, जो ब्रैकेट है जो अपना पैनल है इसको भी थोड़ा बढ़ा दिया है, तो अब देख सकते हैं अभी पूरा इंजन जो है अंदर का जो सब पाइप लाइन वगैरह सब दिखता नहीं, अभी बस हल्का सीधा से दिखता है, बाकी बस ये पूरा मतलब इस चीज़ को ये तो वही सेम है, बस इसको थोड़ा हल्का सा पहले इतना में ही रहता था, अभी ये थोड़ा इसको बढ़ा दिया गया, इससे भी देखने थोड़ा खूबसूरती उसका बढ़ गई है और अच्छा लगता है देखने में। अब देखिए दोस्तों अब इस साइड आते हैं हम, इस साइड में देखिए पहले यहाँ पे किक हुआ करता था BS4 में, देखिए आप यहाँ पे किक हुआ करता था, अब किक नहीं है इस बाइक में, किक हटा दिया गया। BS6 बाइक अगर 2 भी आप लेंगे जो 2 वाल वाली आती है उसमें भी हटा दिया गया, ये तो 4 भी है तो इसमें तो हटा ही गया, उसमें भी हटा दिया गया। ये देखिए ये के भी चेंज है। बाकी दोस्तों बस इतना ही चेंजेस था, ये बाकी ये साइड पैनल वगैरह तो सब सेम है। हाँ एक और है, ये सीट देखिए, जो सीट का कलर था पहले पूरा ब्लैक था, अभी इन्होंने ये थोड़ा सा अलग से लगा दिया गया, उससे थोड़ा भी लुक थोड़ा और बढ़ गया। ये तो आप अपने BS4 में भी लगा सकते हैं, चाहे तो सीट वाले कवर दुकान पर भी जाएंगे बोलेंगे सर सिलने के देने के लिए, वो सिल के आपको ऐसा मिल जाएगा, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। ये तो नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेन बड़ा चेंजेस यही है कि दोस्तों इसका हेडलाइट का पूरा सेट चेंज कर दिया गया, लेग गार्ड को 2 पीस में कर दिया गया, और बाकी जो स्टिकर्स थे टैंक तो सेम साइज़ के हैं सब कुछ है, जो स्टिकर्स यहाँ पे थे उसको आगे लगा दिया गया और यहाँ पे एक अलग से स्टिकर लगा दिया गया, बस बाकी सब पीछे वगैरह आगे पीछे सब सेम ही है सब वैसा ही। चलिए दिखा देते हैं आपको, ये देखिए एग्जॉस्ट का साइलेंसर का अपना डिज़ाइन वगैरह सब कुछ वैसा ही है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, मड गार्ड वगैरह सब सेम है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ये देखिए आप ये हैंड गार्ड और वाइजर देख रहे होंगे दोस्तों, ये हैंड गार्ड मैंने ऑनलाइन मंगा के 749 रुपये का मंगाया हुआ है, अपने हाथ से इंस्टॉल किया, इसका वीडियो मेरे चैनल पे, आप मेरे चैनल पे जाइएगा उसको देख सकते हैं। और इस गाड़ी में सबसे पहले बता दो दोस्तों, इस गाड़ी में वाइजर नहीं लगता है, जो BS4 बाइक थी उसमें वाइजर के लिए यहाँ पे देखिए मीटर के पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जगह दिया रहता था, इसको मीटर का ब्रैकेट खोल के आप इसमें लगाते थे, कंप क्लैंप जैसा आता था बाद में, ये जो होल था इसमें यहाँ पे टाइट करते यहाँ टाइट होता था, बट इस गाड़ी में ये चीज़ टाइट नहीं हो पाती थी, कंपनी को देना चाहिए था, नेकेड बाइक बनाया बट फिर भी देना चाहिए था, ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर आप अपने बाइक में वाइजर लगाना चाहते हैं, अगर आपको वाइजर लगाना पसंद है तो मेरा इस चैनल पर वीडियो है वाइजर लगाने का, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हाँ दोस्तों ये कुछ 5-6 चेंजेस थे जो मैंने आपको बता दिया BS4 से BS6 में क्या क्या अपग्रेड किया गया है और क्या क्या डिसअपग्रेड भी हुआ इसमें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे आप चैनल पे पहली बार हैं, और मैं अपने इस चैनल पे दोस्तों अपनी बाइक रिलेटेड ही बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे चैनल के आइकन पे क्लिक करके जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वाइजर इंस्टॉल किया मैंने, इसमें हैंड गार्ड लगाया है और भी कुछ मॉडिफिकेशन किया मैंने, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है मैं तुरंत एक माइलेज टेस्ट करता हूँ, जैसे नॉर्मल होता है मुझे टाइम मिलता है मैं माइलेज टेस्ट करूँगा इस बाइक का। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।